सारे लोगों ने दलित साहित्य को जाना, समझा और उस समाज की पीड़ा को पीड़ा से वो रूबरू हुए। इसके अलावा वाल्मीकि जी के 3 कहानी संग्रह, 2 कविता संग्रह की कविताएं भी बहुत चर्चित रही और आलोचना में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र उनकी किताब आई जो कि खासी चर्चा में रही। फिर उनकी अभी कुछ समय पहले एक किताब आई थी सफाई देवता, जो उन्होंने भारत के जो सफाई वर्ग से संबंधित है उसमें उन्होंने उनके ऊपर ये पूरी किताब लिखी और उनको बहुत सारे अपने समय में ही बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। अम्बेडकर पुरस्कार है और भी बहुत कई सारे हैं। लेकिन इन सबसे जो एक बड़ी बात ये है, ये तो उनका दलित साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा, हमेशा जाएगा। न केवल उन्होंने रचनाओं के माध्यम से अपने आप को सबके सामने बुलाया, बल्कि उन्होंने दलित साहित्य के दर्शन को, वैचारिकी को बढ़ने में भी बहुत मदद की, या वो कहेंगे कि उन्हें उन्होंने एक तरीके से स्थापित किया। जैसे अभी 2 रूपों में लगातार जिसमें उनका हस्तक्षेप रहा, एक तो ये था कि दलित साहित्य किसको माना जाए, इस पर उन्होंने काफी जोर से स्थापित किया कि वो दलित लिखेगा वो दलित साहित्य होगा, और इसी से सहानुभूति और स्वानुभूति की बात निकल के आई, जो कि ये माना, जिसे कि अब सब मान चुके हैं कि जो दलित लिखेगा उसमें जो बात आएगी, जो पीड़ा आएगी, वो दूसरों के द्वारा नहीं आ सकती है। और ये प्रमाणिक होगी, सबसे बात है प्रमाणिक है, क्योंकि इसका प्रमाण खुद दलित थी जो उसने झेला है। ऐसे ही जो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगी वाल्मीकि जी का बड़ा योगदान है, और इसको उन्होंने बड़े आक्रामक तरीके से, बहुत ही आक्रामक तरीके से इस सिद्धांत पर उन्होंने बात रखी। उनके व्यक्तित्व के कई पहलू थे, बहुत सारे लोग आए हैं, अपने 2 मिनट बात करके फिर हम आगे करेंगे। हमारे बीच में हम वरिष्ठ साहित्यकार सूरजपाल चौहान जी हैं, उनके घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं, और दलित साहित्य में सूरजपाल चौहान जी का बहुत बड़ा नाम है। तो साथियों, ये उनका जो रचना कर्म था, पूरा रचना कर्म, चाहे वो कविता हो चाहे कहानी हो, वो बहुत ज्यादा कहेंगे कि एक दिशा में चलता, एक ग्राफ है उनका, लगातार ऊपर उठने का ग्राफ है उनके पूरे साहित्य में। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि लगे कि अरे वाल्मीकि जी ने ये क्या लिख दिया, ये क्या उठा दिया उन्होंने ध्वन। हाँ, ये जरूर है कि बीच में कुछ समय में जो 2 मुद्दों पर उनका, एक मुद्दे पे खासकर हम कहेंगे प्रेमचंद पर उनका अलग राय थी, लेकिन वो एक बहस की बात है कि वो क्या कहना चाहते थे और दलित साहित्य उसको किस तरीके से लेगा प्रेमचंद को। तो ये इस बारे में वाल्मीकि जी का एक, हम कहेंगे कि एक साहित्यकार के तौर पे व्यक्तिगत, जो व्यक्तिगत उनका, जिस मैं जो बात करती हूँ उनके स्वभाव की, उन्होंने एक तरफ दलित साहित्य को स्थापित किया, दूसरी तरफ उन्होंने जो प्रगतिशील जो लोग कहलाते हैं उनके छद्म को बहुत उभारा, और बार बार वो अपने भाषणों में इनका बहुत जिक्र करते थे किस तरीके से प्रगतिशील या मार्क्सवादी लोगों ने किस छद्म में वो जीते हैं और किस, क्यों जाति का विरोध नहीं करते हैं, या किस तरीके से, ये उनका एक बहुत बड़ा था। क्योंकि मैंने 3-4 मीटिंग उनके साथ आयोजित किया और उन्होंने तीनों चारों में उसी पर प्रहार किया, जो कि मुझे लगता है कि ये एक अंतर, हमारी अंतर आलोचना है कि हमें ये आलोचना करने की जरूरत पड़ रही है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई सोसाइटी वर्ग और जाति विहीन बने, तो उसका, उसके लिए हमें क्या करना होगा। हम सबको इसकी आलोचना करने की जरूरत है, जो हम जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें इसकी आलोचना की जरूरत है, और वाल्मीकि जी यही करते थे। तो मैं, हम धीरे धीरे जो है वो बात करते रहेंगे। अब मुझे लगता है कि हमने इस कार्यक्रम की ऐसा रूपरेखा तय की थी कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो वाल्मीकि जी के साहित्य से करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले टेकचंद आए और उनकी झूठन का एक अंश पढ़े, इसके साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत।
ये अंश उस वक्त का है जब वाल्मीकि जी विद्यार्थी के तौर पर स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाने पर उनके साथ जो व्यवहार होता है। अभी चौहान जी से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि किस तरह से शिक्षा को लेकर दलित वर्ग के बच्चों को हतोत्साहित किया जाता है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। ऐसे तकरीबन हम सब के अनुभव अपने अपने भी रहे हैं और आसपास के देखे सुने अनुभव भी हैं कि अलग बिठा दिया जाता है, सफाई के काम में लगा दिया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता। उसी तरह का एक प्रसंग यहाँ पर जूठन के माध्यम से, एक रोज़ हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल पूछा। जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो यो खानदानी काम है, चाह फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी तहड़ सुनाई पड़ी। अबे वो चुड़ेंगे कहाँ घुस गया? उनकी तहड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मासा वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली थी। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटकर चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो मिर्ची डालकर स्कूल से बाहर काट के निकाल दूंगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे, सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे, मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देख कर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है? वे मुझे प्यार से मुंशी जी ही कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वे स्कूल से मुझे मुंशी जी ही कहा करते थे। ये दोबारा, वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए, मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोल क्या हुआ? मेरी हिचकियाँ बन गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी करता है शंभू का कठासर। जब भी मैंने घने वृक्ष छाव में बैठ कर खड़ी पर सुस्ता लेना चाहा, ध्यान चित्कार गूंजने लगे, जैसे हर एक टहनी पर लटकी हो लाखों लाशें, जमीन पर पड़ा हो शंभू का कठासर। मैं उठकर भागना चाहता था। शंभू का सिर मेरा रास्ता रोक लेता। चीख चीख कर कहता था, युगो युगों से पेड़ पर लड़का हूं, बार बार राम ने मेरी हत्या की है। मेरे शब्द पंख कटे पक्षी की तरह तड़प उठते हैं। तुम अकेले नहीं मारे गए बस में, यहाँ तो रोज मारे जाते हैं असंख्य लोग।
यहाँ तो मारे जाते हैं असंख्य लोग जिनकी सिस्कियाँ उठकर रह जाती हैं अंधेरे की काली परतों में। यहाँ गली गली में राम है, शंभू है, द्रोण है, एक लव्य है, फिर भी सब खामोश हैं। कहीं कुछ है जो बंद कमरों से उठते कृतन को बाहर नहीं आने देता, कर देता है रक्त से सनी उंगलियों को महिमा मंडे। शंभू, तुम्हारा रक्त जमीन के अंदर समा गया है जो किसी भी दिन फूट कर बाहर आएगा ज्वालामुखी के अंदर। अगली कविता है जिसका शीर्षक है युग चेतना। मैंने दुख झेले सहे कष्ट पीढ़ी दर पीढ़ी कितने, फिर भी देख नहीं पाए तुम मेरे पीड़न को, इसलिए युग समूचा लगता है पाखंडी मुझको। इतिहास यहाँ नकली है, मर्यादाएं सब झूठी हैं, हथियारों की रक्त रंजित उंगलियों पर जैसे चमक रही सोने की नत जड़ी अंगूठियां। कितने सवाल खड़े हैं, कितनों के दोगे तुम उत्तर। मैं शोषित हूँ, पीड़ित हूँ, और अंत नहीं मेरी पीड़ा का, जब तुम बैठे हो काले नाक बने कन फैलाए मेरी संपत्ति पर। मैं खटता खेतों में फिर भी भूखा, निर्माता में महलों का फिर भी निष्कासित हूँ और ताड़ित हूँ। इतलाते हो बलशाली बनकर तुम मेरी शक्ति पर, फिर भी मैं नीम नीम जर्जर हूँ, इसलिए युग समूचा लगता है पाखंडी मुझको। ठाकुर का कुआं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस कविता है, ठाकुर का कुआं, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का अपना क्या है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल्की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मुहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। आप सभी को नमस्कार। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से मेरा संबंध बहुत पुराना है। मैं बहुत दिनों से कविताएं लिखता था, मंचों पर जुड़ा हुआ था, खासकर आरएसएस के बच्चों से हिंदूवादी मानसिकता की कविताएं लिखता था, उसी तरह की कविताएं, और उनसे मुलाकात भी एक बार तो ऐसे ही सरसरी नज़र से हुई। सरसरी तौर पे कोई आधे घंटे के लिए, मैं उन्हें ब्राह्मण समझता था क्योंकि वाल्मीकि लिखते थे, कुछ लोग ब्राह्मण भी वाल्मीकि लिखते हैं दिखाने के लिए। दिल्ली के मवलंकार हाल पे एक कार्यक्रम चल रहा था तो मुझे बुलाया गया। देहरादून से ओम प्रकाश वाल्मीकि आए हुए थे, एक तरफ मैं बैठा था और एक कोने में वो, तो वाल्मीकि नाम से मुझे लगा। जब उन्होंने कविताएं पढ़ी तो दलित रचनाएं नहीं थी, मजदूरों के ऊपर थी, क्योंकि वो हिंदी अकादमी की तरफ से था सम्मेलन, और वो खुल के नहीं पढ़ रहे थे, मजदूरों के ऊपर थी। वो झोंपड़ी में रहते हैं, किसी का खून नहीं चूसते, इस तरह की कुछ कविताएं थी मजदूरों के ऊपर। फिर जब मैंने अपनी कविताएं सुनाई तो मैं तो आरएसएस के मंचों से जुड़ा हुआ था, मुझे तो दलित साहित्य के बारे में कुछ पता ही नहीं था, हिंदूवादी मानसिकता से जुड़ा हुआ था, और अग्रिम पंथी के कवियों में रहा, मैं वहां भी रहा। तो और आपको बताऊं कि मैं जब वहां था तो बड़े बड़े कवि जैसे शेर जंगर, कुंवर बेचैन, और वो जो जिन्होंने लिखा ना, एक भाई जरा देख के चलो, गोपाल दास नीरज, और उस मंच का संचालन बैरागी जी कर रहे थे, बाल कवि बैरागी, और काफी आदमी के पिता भी थे, बड़े बड़े कवि थे उसमें। उसमें मैंने एक गांव की कविता पढ़ी, जैसे उस तरह से लिखता था उस जमाने में। फिर एक हिंदूवादी कविता पढ़ी, हिंदू के हैं प्राणी, राम राम है ना कैसा हिंदुस्तान, कुछ चक्र चलाया है जन्मभूमि पे, उठाना पड़ेगा हमें धनुष्वान, हमने भी मंदिर बनवाने की वही ठानी, जागो जागो हिंदुस्तानी, इस तरह की कविता। तो वो बड़े खुश होते थे और मैं भी अंधकार में जी रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, और सात सात आठ आठ हजार रुपये लेता था, हवाई जहाजों से यात्रा करता था,
वो मजे आ रहे थे, तो जब उन्होंने कविताएं पढ़ी तो मैं उनके पास गया कार्यक्रम के बाद। मैं कहा सर आप कौन से वाल्मीकि हैं? ब्राह्मण हैं? कहते नहीं नहीं मैं तो वाल्मीकि हूँ, दलित हूँ। मैंने कहा मैं भी हूँ। नहीं नहीं तुम नहीं हो सकते, उन्होंने मुझे झाड़ा, तो वाल्मीकि हो ही नहीं सकते। मैं क्यों सर मैं भी वाल्मीकि हूँ। तो यार तुम तो गंद फैला रहे हो, कविताओं के माध्यम से लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो। तो इतनी बात हुई और वो चले, मैं अपने घर आ गया। फिर उनकी रचनाएं छपी नवभा टाइम्स में, एक कविता छपी थी उनकी, बहुत अच्छी कविता है, उसने मेरे को एकदम बेचैन कर दिया। नहीं नहीं कुआ नहीं थी, नवभा टाइम्स में कविता छपी थी कि तुम्हारी आत्मा शुगर की आत्मा में क्यों नहीं प्रवेश करती, कुत्ते बिल्ली की इस तरह की थी। कहानी हंस में पड़ी बैल की खाल, मैंने कहा यार बात है कुछ जरूर इसमें, स्पार्किंग है। फिर मैं उनसे मिलना चाहता था उन्हीं दिनों। फिर राजेंद्र यादव हंस का कार्यक्रम करते हैं, 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की जयंती होती है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा मैं आ रहा हूँ, और मैं कह सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं उनसे मिला, दौड़ा दौड़ा गया, चाय पी रहे थे, सफारी सूट पर रखा था, बहुत व्यक्तित्व अच्छा था उस समय। तो मैं सीधा चला गया, कहते और चौहान क्या हाल है? मैंने कहा आपने मुझे कैसे पहचाना? कहते नहीं आपके अंदाज से चले आने से पता लग गया, और उस दिन तो हम मिले थे। मैंने कहा वो तो थोड़ी देर की भेंट थी। कहते हाँ वो मैं मिल लिया था, और बताइए। तो खैर उन हंस के ऊपर कार्यक्रम था, मनोजय पांडे भी उसका, मैं पहली बार मिला राजेंद्र यादव से और हंस मनोजय पांडे से, बड़े बड़े लेखकों से उस बार मैं पहली बार मिला, क्योंकि मैं तो आरएसएस के मंचों से जुड़ा हुआ था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, अंधकार में आ रही तिरछी रेखाएं खींच रहा हूँ। तो कार्यक्रम के बाद फिर मैंने कहा आप घर चलिए मेरे, नोएडा में रहता था मैं सब, 1992 की बात है। तो कहने लगे नहीं मेरा जेएनयू में रहने का प्रबंध है। मैंने कहा नहीं सर आप मेरे घर चलिए, आपसे कोई बात करनी है। कहते नहीं यार मैंने, आप तो आरएसएस वाली बातें करते हैं, आपकी कविता। मैं कहा सर आप मुझे, मैंने आपसे बात करनी है, आप चलिए। तो मैं उन्हें घर ले आया, घर 3 बजे तक हम लोग बात करते रहे। मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक आदमी देहरादून से चल के आया है, थका हुआ है। मैं 3 बजे तक उन्हें जगाता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे सोफे से जगा दिया। अंधकार की एक एक परत उन्होंने मेरी आंखों के सामने से ऐसे उतारी जैसे मुझे सोफे से जगा दिया। और मैंने कहा यार ये मैं गैर दलितों की पूछ पकड़ के उठ रहा हूँ, उनसे सम्मान पाना चाहता हूँ जो कि एकदम असंभव है, और ये क्या कर रहा हूँ दलित साहित्य में? जो साहित्य सच्चा साहित्य है उससे तो मैं बिल्कुल विमुख हूँ। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से हवाई जहाज की यात्राएं और लालच ये सब मैंने छोड़ दिया, और एकदम से मेरी बदल गई, एकदम ठीकी की बदल दी उन्होंने एक दिन में, सिर्फ एक रात में। तो और मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है दलित साहित्य में आने का, उनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सोते से जगाया और मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट दिया।